ओके तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आज भोला मूवी के ट्रेलर पे बात करेंगे क्योंकि इसे मैंने 0.25x स्पीड पे देखी और काफी कुछ सीन्स ऐसे हैं जिससे स्टोरी की काफी कुछ चीजें रिवील हो जाती है। तो वीडियो में थोड़ी बहुत स्पॉयलर्स टाइप के कुछ हो सकते हैं। अगर आप लोगों को भी प्लॉट के बारे में एकदम भी आइडिया नहीं है तो वॉच द वीडियो एट योर ओन रिस्क। तो अगर आपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया है तो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में कैमियो वाले कैरेक्टर को लेकर कुछ डिटेल्स है। और टेंशन मत करो कि कैरेक्टर के बारे में ट्रेलर में जो दिखाया गया है उसी के बारे में बात करनी है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं होने वाली है। नंबर वन, इस सीन में हम टाबू को गाड़ी से बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं, बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो चीज नोटिसेबल है। सबसे पहले तो गाड़ी के कांच के ऊपर लाल रंग का गुलाल फैला हुआ है और टाबू की शोल्डर जो है उसकी वर्दी की कलर भी वहाँ लाल है, यानी कि उसे गोली लग चुकी है। साथ ही यहाँ एक ट्रक भी दिखाई देती है, यानी कि ये सीन उसे गोली लगने के बाद की होगी और गोली लगने वाली सीन हमें आगे चलकर ट्रेलर में दिखाई भी जाती है। नंबर टू, अगले ही शॉट में हम टाबू को और कुछ पुलिस वालों को उसी ट्रक के पीछे की चेकिंग करते हुए देखते हैं, बट वहीं टाबू ने अपने हाथ को पकड़ा हुआ है और उसके बाद ही से मूवी में उसके हाथों पर पट्टी होगी, तो इसके मूवी की ओपनिंग सीन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। नंबर थ्री, उसके बाद हमें भोला की बेटी का शॉट देखने को मिलता है जो कि एक ऐसे जगह पर रह रही है जहां कॉकरोचेस का बोलबाला है, और अगर आपने कैथी देखी है तो आपको पता होगा कि वो प्रोबेबली कहाँ रहती है और कैसे कंडीशंस में रहती है। उसको अपने यहाँ बनारस के स्टाइल से सेट कर दिया गया है और कुछ ज्यादा ही रियलिज्म ऐड कर दी गई है जो कि मुझे बहुत पसंद आई। नंबर फोर, ये पॉइंट आपके लिए एक पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकती है तो ध्यान देना, और अगर नहीं सुनना है तो डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पर स्किप कर देना। तो यहाँ हम एक लास्ट को देखते हैं जिसे अगर आप लोगों ने नजर लग जाएगी, सॉन्ग देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा भोला ने ही इसे मारा है और क्यों मारा है, लेकिन ये जो बंदा है वो सिटी का एक्चुअल डॉन है जिसके लिए भोला काम करता है, और इसीलिए उसकी डेथ के बाद नजर लग जाएगी सॉन्ग में जब वो अपने लव इंटरेस्ट के साथ भागने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे वो रहस्यमय कैरेक्टर आता है और फिर अजय देवगन के साथ प्रॉब्ली वहाँ पे फाइट होने वाली है और उसके बाद ही वो जेल में जाएगा। उसके अलावा और क्या रफने होंगे वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। नंबर फाइव, इस सीन में हम दो बंदों को पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखते हैं। अब ये शॉट ध्यान से देखोगे तो क्लियरली समझ आ रही है कि ये सुबह की शॉट है, तो ये हो सकता है कि भोला और टाबू का कैरेक्टर सुबह होने से पहले पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचने वाले। नंबर सिक्स, इस शॉट में हम भोला के हाथ पर एक फोन स्पॉट कर सकते हैं। अब भोला किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है तभी मोलोटॉव उसके गाड़ी में जा गिरती है। अब जिसने भी कैथी देखी है तो उसे पता होगा कि वो किससे बात कर रहा है, और अगर तुमने नहीं देखी है तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है किससे बात कर रहा होगा वो। वैसे बता दूं कि नहीं, स्पॉयलर्स देना ठीक नहीं रहे, छोड़ो तुम लोग मूवी में जाके पता करना है कि वो किससे बात कर रहा है, और अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी अंदाजा है तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। नंबर सेवन, टाबू को डॉक्टर जब कहती है कॉटेज डिपार्टमेंट का कोई उनके साथ मिला हुआ है, तो आप लोग टाबू के बैकग्राउंड को नोटिस करो, यहाँ पर वो अभी भी उस जगह पर होती है जहाँ से भोला ट्रक लेकर जाएगा, यानी कि उस मूवी के स्टार्टिंग से ही टाबू को पता रहेगा कि उनके बारे में दुश्मनों तक कोई खबर पहुँचा रहा है। स्टिल वो जब तक फिगर आउट करेगी तब तक मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी होगी, जैसा कैथी मूवी में हुआ था। बट कैथी मूवी में पुलिस वाले के कैरेक्टर ने खुद से ही शक किया था कि कोई उनकी खबर दुश्मन तक दे रहा है, और एक बार जब कैथी मूवी में वो फायरिंग कर रहा होता है तो जो खबरी होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, बट फिर भी उसे जरा सा भी उतना शक नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। सो आई होप कि ये चीज थोड़ी और इम्प्रूव कर सकते हैं भोला मूवी में, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नंबर एट, इस सीन में हम टाबू के कैरेक्टर को किसी चीज को आग लगाते हुए देखते हैं। अब ये क्लियरली ड्रग्स है जो एक मूवी का बहुत ही बड़ा पिवोटल पॉइंट है। नंबर नाइन, इस सीन में संजय मिश्रा का कैरेक्टर जब भोला से बात कर रहा होता है तो अगर आप पीछे टंगी हुई घड़ी पर ध्यान दोगे तो सुबह का 4 बज रहे हैं, यानी कि अभी भी काफी समय है भोला के वहां पहुंचने में और पूरी की पूरी मूवी को खत्म होने में लगभग 1-1.5 घंटे का समय है। नंबर 10, उसी सीन में चंबल का रेफरेंस भी है जो कि डाकुओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और मुझे ये रेफरेंस काफी पसंद आई कि वहाँ जो परिस्थिति है जब आप लोग मूवी में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको चंबल वाली फीलिंग जरूर आएगी। नंबर 11, तो यार अब उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जिसके हाथ स्केलेटन के दिखाई जाते हैं। उसी सीन में जब वो बोट पर होता है तो उसका एक और शॉट है पीछे की तरफ से, और अगर जूम करके देखोगे तो उसके पाँव भी स्केलेटन के हैं। अब ये तो स्केलेटन नहीं हो सकता, मतलब उसका जो हाथ है वो मेटल का बना हुआ है और उसके पाँव जो है उसमें भी रॉड्स लगे हुए हैं, तो प्रोबेबली उसके लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी इंजुरी आई थी जिसके वजह से उसे इतने ट्रांसप्लांट्स करवाने पड़े हैं। अब ये क्या है नहीं है और कितने देर का कैमियो है इस कैरेक्टर का वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, और मेरे को जितना सुनने में आ रहा है सब बोल रहे हैं कि ये लोग अपना एक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, विच आई एम टोटली अप फॉर इट। यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि गड्डी कौन चला रहा है अगर अजय देवगन बाहर में लड़ाई कर रहे, क्योंकि टाबू के एक हाथ तो इंजर्ड है
और दूसरा बंदा जो है उसे शराब पीते हुए दिखाया गया था। तो देखो भाई लोग, अगर तुम लोग यहाँ पे जूम करके देखोगे तो यहाँ पे तब्बू ही ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है और वो प्रोबेबली अपने एक हाथ का यूज करके ही गाड़ी को संभाल रही है। डेडिकेशन देख रहे हो कैरेक्टर की। तो भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ अगले, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग यू एंड डियर वंस। अंकल अंकल आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की? ए? ए?